हेलो साथियों, कैसे हो आप। तो अपनी लास्ट वीडियो में मैंने डाओइज्म पर एक छोटा इंट्रो बनाया था एंड उसी टाइम पर मैंने डाओ डे जिंग किताब भी पढ़ ली थी। अब इस बुक का समरी वैसा बनाना ठीक नहीं होगा क्योंकि ये एक सेट ऑफ कलेक्शन है अलग अलग थॉट्स एंड लाइफ लेसन्स के। सो मैंने 10 ऐसे विचार सेलेक्ट किए हैं जो मुझे बहुत सही लगे। तो 2 मिनट के लिए अपनी आँख बंद कर लीजिए एंड एक एक थॉट को ध्यान से सुनिए। शुरू करते हैं डाओ डे जिंग के 10 विचार। 1, हजारों मील की यात्रा एक कदम के साथ शुरू होती है। मेरे पास सिखाने के लिए बस 3 बातें हैं, सादगी, धैर्य, दया। ये तीनों आपका सबसे बड़ा खजाना है। 2, अगर तुम इस बात की फिक्र करो कि दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं तो तुम हमेशा उनके कैदी बनकर रह जाओगे। 3, अगर आप देखोगे अपने आस पास नेचर या प्रकृति किसी भी चीज़ की जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी उसकी शुरू की हुई सारी चीजें पूरी हो जाती है। 4, वो जो सब कुछ जानता है कुछ नहीं बोलता, वो जो बहुत बोलता है कुछ नहीं जानता। 5, जो तुम्हारे पास है उससे खुश रहो, चीजें जैसी है उसमें आनंदित रहो। जब तुम इस बात का एहसास कर लेते हो कि किसी भी चीज की कमी नहीं है, पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाती है। 6, अगर आप उदास है तो आप अतीत या पास्ट में जी रहे हैं, अगर आप चिंतित या स्ट्रेस्ड हैं तो आप भविष्य में जी रहे हैं, अगर आपके मन में शांति या पीस है तो आप वर्तमान में जी रहे हैं। 7, सभी नदियां समुद्र की तरफ बहती है क्योंकि ये उनके मुकाबले नीचे रहता है। इसका मतलब है विनम्रता या ह्यूमिलिटी समुद्र को इसकी शक्ति देती है। 8, जो दूसरों को जानता है वे ज्ञानी है, पर जो खुद को पहचानता है वह बुद्धिमान है। 9, उन लोगों से भी अच्छा व्यवहार करें जो अच्छे हैं और उन लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार करें जो अच्छे नहीं हैं। इस प्रकार भलाई प्राप्त की जाती है। उन लोगों के प्रति ईमानदार रहें जो ईमानदार है और उन लोगों के प्रति भी ईमानदार रहें जो ईमानदार नहीं है। इस प्रकार ईमानदारी प्राप्त की जाती है। 10, जीवन और मृत्यु एक ही धागा है, अलग अलग ओर से देखी गई एक ही रेखा। अगर आपको मौत का डर नहीं है तो दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। धन्यवाद।